हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंटरनेट पढ़ाई डॉट कॉम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं यहाँ पे आपको 6 to 12 का सिलेबस करवाऊंगी, और जैसा कि आप सभी को पता है वो सिलेबस मैं आपको कंप्लीट करवा रही हूँ, और यहाँ पे मैं आपको वो पूरा सिलेबस बिल्कुल सीक्वेंस वाइज कवर करवाऊंगी। और अगर आपको पीछे का कोई वीडियो छूट गया या फिर आपने पीछे के वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो आप इंटरनेट पढ़ाई डॉट कॉम पर उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। इसके अलावा इंटरनेट पढ़ाई डॉट कॉम पर आपको पूरा सिलेबस सीक्वेंस वाइज मिल जाएगा। और इसके अलावा जैसे 6 to 12 का सिर्फ यही सब्जेक्ट नहीं, जैसे मैथ्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, उन सभी के कंप्लीट कोर्सेज आपको सीक्वेंस वाइज मिल जाएंगे। सो स्टूडेंट्स, हम नाइट्रोजन साइकिल के बारे में पढ़ रहे हैं, जो किसका पार्ट है, जो बायोकेमिकल साइकिल्स होते हैं उनका एक पार्ट है। अब देखिए, अभी तक हमने क्या पढ़ा कि जो साइकिल हम स्टार्ट करने वाले हैं उस साइकिल के अंदर मेनली हम जो टर्म्स यूज़ लेंगे, हम जो प्रोसेस यूज़ लेंगे वो किस किस तरीके से होगी, मतलब नाइट्रोजन है वो किस रूप में होती है, कौन कौन से यौगिकों में बदलेगी, कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है, किस किस कंपाउंड में होती है, वो चीज़ें होनी पड़ेगी। अब हम पढ़ेंगे मेन जो साइकिल जो बोल रहे हैं हम, नाइट्रोजन साइकिल, उसकी प्रोसेस क्या होगी। ठीक है, उसके बारे में हमने पढ़ना है कि जो नाइट्रोजन साइकिल है उसकी प्रक्रिया किस तरीके से चलेगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक क्या चल रहा था हमारा, नाइट्रोजन साइकिल। देखिए इसके अंदर क्या होता है, हमने जब बोला नाइट्रोजन साइकिल तो इसके अंदर हमने देखना है कि नाइट्रोजन जो वो किस किस यौगिकों में चेंज होकर किस किस यौगिक के अंदर बदलती है। तो सबसे पहले तो टर्म्स कौन सी यूज लेनी है वायुमंडलीय, नाइट्रोजन। वायुमंडलीय नाइट्रोजन, ठीक है, किस रूप में प्रेजेंट है ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन के रूप में ये प्रक्रिया चलते। अब यहीं से स्टार्ट करना है, मतलब मैंने आपको ये बोला स्टार्टिंग कहाँ से होगी, वायुमंडलीय नाइट्रोजन से होगी। खत्म कहाँ पे होगा, जो हमने स्टार्ट किया यहाँ से तो खत्म भी यहीं पे करना पड़ेगा, तभी तो बनेगा एक साइकिल। एक साइकिल में आपको होता है कब कंप्लीट होता है, जब आप जिस जगह से भागना स्टार्ट करते हो चारों तरफ घूम के जब आप उसी भाग पे आ जाते हो तो वो क्या होता है, वो नाइट्रोजन साइकिल होता है। इसके अंदर हम पढ़ रहे हैं वो एक साइकिल होता है सॉरी, और जैसे हम नाइट्रोजन का पढ़ेंगे तो वो क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन साइकिल। अब इसके अंदर क्या प्रोसेस होती है, देखिए वायुमंडलीय नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का क्या हुआ, फिक्सेशन हुआ। फर्स्ट स्टेप क्या हो गया, नाइट्रोजन का फिक्सेशन या फिर स्थिरीकरण हो गया, मतलब वो हमने स्थिरीकरण किया उसके युग को भी चेंज किया जाएगा, से नाइट्रेट होंगे, नाइट्राइट होंगे, क्या इसके अंदर प्रोसेस आगे फिर कौन आ जाएंगे, ग्रीन प्लांट्स आ जाएंगे, हरे पेड़ पौधे आ जाएंगे, क्या आ गए, हरे पेड़ पौधे। अब उसके अंदर जाएगा, अब पेड़ पौधों को कौन खाते हैं, पेड़ पौधों को जंतु खाते, प्रोसेस वाली बात नहीं पड़ेगी, यहाँ पे सिर्फ स्टेप टू स्टेप चलते जाएंगे कि कहाँ से क्या प्रोसेस होगी। ठीक है, ग्रीन प्लांट्स को कौन खाते हैं, एनिमल्स, जंतु, कौन सा पार्ट आ गया, एनिमल्स। ठीक है, डेथ तो होनी है उनकी, उनके अंदर किस रूप में भाई, जैसे एक अगर मैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट प्रोसेस की देखूं मैं कि ये यहाँ से पैसा नहीं, अब से ग्रीन प्लांट्स में गया है, डायरेक्टली यहाँ भी हो सकता है, और ग्रीन प्लांट से क्या इससे एक और प्रोसेस भी हो सकती है, वो कौन सी है, चलेंगे तो यहीं पर हम, क्या अमोनिफिकेशन, या फिर क्या बोल सकते हैं हम उसको, अमोनीकरण बोल सकते हैं, ये जो प्रोसेस है इसको हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे हम इसको अमोनीकरण बोल सकते हैं। तब क्या होगा, देखिए अमोनिफिकेशन, देखिए अमोनिफिकेशन होगा, अब क्या होगा, जब अमोनिफिकेशन हुआ तो किसका अमोनिशन हो गया, अमोनियम, ठीक है,
यौगिक आगे नाइट्राइट नाइट्रेट। हो गया। नेक्स्ट अब क्या प्रोसेस होगी, अब जो प्रोसेस होगी वो क्या होनी है, डीनाइट्रिफिकेशन। क्या होगा, ये देखिए इस तरीके से चलेगा। अब देखिए ये तो सिर्फ मैंने एक सिंपल बताया कि नाइट्रोजन ग्रीन प्लांट्स में, और ग्रीन प्लांट्स जो मतलब हरे जो पेड़ पौधे होते हैं उनके अंदर अमोनीकरण हुआ, अमोनीकरण से अमोनिया, फिर आगे प्रोसेस चलती रही। और दूसरा यहाँ पे क्या, हरे पेड़ पौधे डायरेक्ट क्या एनिमल्स में, एनिमल्स में किस रूप में चला गया यहाँ पे, ये अमोनिया। ये कंडीशन भी होती है कि जब क्या आ गया इसके अंदर, ये प्रोसेस हुई तब ये डायरेक्ट इससे भी क्या सकते इसके जीवद्रव में क्या, पेड़ पौधों को किसने खाया, एनिमल्स में खाया, उसके अंदर क्या हुआ अमोनिफिकेशन, फिर आगे की जो प्रोसेस है वो चलती है। एक हमने बोला कि नाइट्रिफिकेशन हुआ, वायुमंडलीय नाइट्रोजन है जैसे नाइट्रिफिकेशन। अब यहाँ पे एक चीज और, नाइट्रिफिकेशन हो गया ठीक है, मतलब नाइट्रीकरण हो गया, नाइट्रीकरण की प्रोसेस हुई। नेक्स्ट आगे क्या, मतलब जो वायुमंडलीय जो नाइट्रोजन है, मतलब एक तरीके से हम देखें कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण हो रहा है, जब नाइट्रोजनकरण की प्रोसेस होगी तब भी किसके अंदर चेंज होना है डायरेक्ट, तभी तो चेंज होगा ये किससे, मतलब एक तो ये दूसरे अगर हम यहीं पे बीच में एक टर्म और बना दें नाइट्रिफिकेशन की, कि नाइट्रीकरण हुआ उसे उसके अंदर क्या चलेगी, जैसे पेड़ पौधे जीव जंतु उसके अंदर चलेगी, ट्रांसफर किसका हो रहा है नाइट्रोजन का हो रहा है। इसलिए मैंने आपको बताया कि एक कंडीशन तो ये होती है यहाँ से, अच्छा दूसरी कंडीशन कि जब प्लांट्स के एनिमल्स खा रहे हैं तब, तो ये दो कंडीशन जो है मुख्य रूप से ये क्रियाएँ चलती हैं, मतलब ये क्या है नाइट्रोजन साइकिल। ये क्रिया होती है। तो देखिए इसके अंदर अभी क्या होगा, अब हमने ये प्रोसेस पढ़नी है कि इनके अंदर ये जो क्रिया हो रही है इसके अंदर इसके चेंज, इसके अंदर चेंज, तो वो चीज़ हमने बार बार से पढ़नी है ठीक है। अब देखिए आप अगर इस साइकिल के एक टर्म से ध्यान रखते चलोगे तो आप इजीली क्या कर सकते हो, आप बता सकते हो कि किसके अंदर क्या प्रोसेस हो रही है, किसके अंदर कौन सा पार्ट किसमें चेंज हो रहा है, डीनाइट्रिफिकेशन हुआ है, नाइट्रेट थे, नाइट्राइट्स थे, अमोनिया से, फिर उसके अंदर क्या हुआ जिससे वायुमंडल नाइट्रोजन जो थी उसके अंदर भी तो प्रोसेस हुई है, नाइट्रिफिकेशन हुआ है तब भी तो कोई प्रोसेस हुई है, अमोनिफिकेशन हुआ है तब भी तो कोई प्रोसेस हुई है, तो ये क्रिया चलती है। स्थिरीकरण हो रहा है, पेड़ पौधे हैं, फिर जंतु हैं, फिर उनके अंदर क्या अमोनिया है, फिर उनके अंदर सीधा अमोनिफिकेशन है और नाइट्रेट है, नाइट्राइट्स है, तो ये एक जो प्रोसेस जिसको हम बोलते हैं वो प्रोसेस लगातार इसके अंदर क्या होती रहती है, चलती रहती है। एक कॉमन चीज कह रहा इस तरीके से, यहाँ पे बीच में एक और साइकिल बना के हम नाइट्रिफिकेशन का भी देख सकते हैं, उसमें क्या हो जाएगा जो वायुमंडल तत्व जो होते हैं उनकी प्रेजेंस। अब देखिए इनका हम बार बार से स्टेटमेंट के तौर पर, अभी जो साइकिल मैंने आपको बताया वो इजिली आपको समझ में आया, तो आप वीडियो को लाइक कीजिए ताकि मुझे पता चले कि समझ में, अगर आपको कैसा लगा वीडियो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, और अगर कोई कन्फ्यूजन है, कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके वो भी डाल सकते हैं, आपके हर क्वेश्चन का रिप्लाई देने की पूरी कोशिश की जाएगी। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज को लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि जितना ज़्यादा वीडियोज को लाइक करोगे शेयर करोगे उतनी ही जल्दी हमारी एक्सपर्ट की टीम आपको बाकी सभी सब्जेक्ट का भी कंप्लीट कोर्स वो भी जल्दी से जल्दी सीक्वेंस वाइज पूरा कोर्स प्रोवाइड करवाएगी। सो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज को शेयर कीजिए। तो देखिए अब इसके अंदर हमने पढ़ना है, मतलब हमने क्या किया, सबसे पहले तो क्या थी वायुमंडलीय नाइट्रोजन थी, वायुमंडलीय नाइट्रोजन थी, वायुमंडलीय नाइट्रोजन से अंदर आगे पे हरे पेड़ पौधे जो थे, मतलब उसके अंदर हरे पेड़ पौधे ने क्या किया उसको ग्रहण किया,
फिर आगे उसको कौन ने कहा है, अब देखिए इसके अंदर ये प्रोसेस हुई, नाइट्रोजन का स्त्रीकरण होता है, इसके अंदर नाइट्रिफिकेशन नाइट्रीकरण की क्रिया भी हो रही है, अमोनिफिकेशन अमोनीकरण की क्रिया भी हो रही है, डिनाइट्रिफिकेशन विनाइट्रीकरण की प्रोसेस भी हो रही है, ठीक है। मतलब अब ये जो प्रोसेस है ना, इसको आप डायरेक्टली इससे याद करते आप इजी रहेगा। देखिए इसके अंदर क्या करना है हमें, यौगिकों के रूप में ग्रहण वायुमंडलीय नाइट्रोजन है, मतलब जो यौगिक है जो जीव जंतु को ग्रहण करेंगे किस रूप में कर रहे हैं, ग्रीन प्लांट्स, नीचे हम आगे स्टेप में लिखेंगे ग्रीन प्लांट्स, नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करेंगे, नाइट्राइट और नाइट्रेट के रूप में, ठीक है, इस रूप में ग्रहण करेंगे। अब देखिए हरे पेड़ पौधे थे उनके अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट है, ग्रीन प्लांट्स हैं उनके अंदर अब क्या प्रेजेंट हो गई, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन क्या है प्रेजेंट है। इनको किसने खाया, जंतुओं ने खाया, इनको किसने खाया, एनिमल्स ने। अब उनके अंदर भी चली गई तो ये कंडीशन जो उसी की है, मतलब अब इसके अंदर ग्रीन प्लांट्स के अंदर चली गई, अब क्या प्रोसेस क्या हुई, इसके अंदर जो हरे पेड़ पौधे थे उसके अंदर क्या प्रोसेस हुई, अमोनिफिकेशन की, अमोनीकरण, अमोनिया का निर्माण के लिए कौन सी प्रोसेस होगी, क्या प्रोडक्ट बनेगा, अमोनिया बनेगा, ठीक है। नाइट्रोजन फिक्सेशन या नाइट्रिफिकेशन की जब प्रोसेस होती है तब इस तरीके से कंपाउंड्स के अंदर चेंज किया जाता है जी, उसको इजीली ग्रहण कर सके। अब देखिए इसके अंदर क्या हो गया, ये प्रोसेस हो गई, अब इससे कंपाउंड्स कौन से हो गए, इसके नाइट्रोजन और नाइट्रेट हो गए। हमने क्या बोला कि जब नाइट्रिफिकेशन होगा तब तो क्या बनेगा, जो नाइट्रोजन है वो कंपाउंड्स, दूसरी प्रोसेस होगी डीनाइट्रिफिकेशन, मतलब कि हमारे इस यौगिक क्या है इसके, नाइट्रेट और नाइट्राइट। अब क्या होना है, अब जो नेक्स्ट स्टेप हमने बोला ना डीनाइट्रिफिकेशन, विनाइट्रीकरण में क्या होगा, अब ये जो थी ना ये जो यौगिक हमने बनाए नाइट्रेट है नाइट्राइट है ये घूमे हैं, ये किसके अंदर चेंज हो गए, अब ये यहाँ से जो नाइट्रोजन है वो फ्री हो जाती है, नाइट्रोजन इन कंपाउंड से मुक्त हो जाती है, किससे, डीनाइट्रिफिकेशन या विनाइट्रीकरण के द्वारा क्या हो जाती है, जो नाइट्रोजन है वो इन कंपाउंड से इसके अंदर चेंज हो जाती है। अब यहाँ पे देखिए प्लांट्स ने जब ग्रहण करी तो किस रूप में ग्रहण करी, पादपों ने नाइट्रोजन नाइट्रेट और नाइट्राइट के रूप में ग्रहण करिए, ठीक है, ये इनके अंदर फिर आगे प्रोसेस हुई। देखिए वही चीज चलते चले हमने सारे, सबसे पहले वायुमंडलीय नाइट्रोजन है, शॉर्ट में देखिए एक बार, सबसे पहले वायुमंडलीय नाइट्रोजन है, नाइट्रिफिकेशन हुआ मतलब नाइट्रीकरण की प्रोसेस हुई तो क्या हुआ, उसके अंदर नाइट्रोजन को उसके यौगिक में चेंज कर दिया, ग्रहण कर लिया किसने, पादपों ने, पादपों के अंदर अगली प्रोसेस क्या हुई, अमोनिफिकेशन हुई, अमोनिफिकेशन से किसका फॉर्मेशन हुआ, अमोनिया का फॉर्मेशन हुआ, मतलब अब अमोनिया, अब इसके कंपाउंड्स किसके रूप में थे, मेन रूप में किसने ग्रहण किया था, इसने नाइट्रेट और नाइट्राइट के, अब नाइट्रेट और नाइट्राइट के रूप में ग्रहण कर लिया, अब इसको किस में चेंज करना, इसको वायुमंडल के अंदर वो फ्री करनी है नाइट्रोजन, तो फिर से इसका क्या हो गया, डीनाइट्रिफिकेशन हो गया, डीनाइट्रिफिकेशन होते नाइट्रोजन का है वो फ्री हो गई, किसके अंदर फ्री हो गई, वो एनवायरनमेंट के अंदर। अब आप देखिए नाइट्रोजन जहां से आई थी वहां चली गई ना, वही तो प्रोसेस है कि नाइट्रोजन जो है वो जहां से आई थी वहां चली तो गई, ये तो क्या, ये तो साइकिल है मुख्य रूप से, देखिए अगर हम एक साइकिल की पोजीशन के इसके अंदर किस तरह ये होता है, जैसे अगर हम यहाँ पे दूसरी प्रोसेस देखें, एक तो ग्रीन प्लांट्स के अंदर अमोनिफिकेशन हुआ, अमोनिया का निर्माण हुआ, फिर जाके उससे फ्री होगी, एक प्रोसेस ग्रीन प्लांट्स को क्या एनिमल्स नहीं खा सकते क्या, उनके एनिमल्स खाए हैं फिर उससे किसका, इनसे जब उनका मतलब जो दोनों ही डेड हो गए, आप लोग आते जब पेड़ पौधे डेड हो गए, ऐसे जंतु जब डेड हो गए तो जहां मिट्टी के अंदर क्या उनके जो यौगिक उसके अंदर थे वो मिट्टी के अंदर मिल गए, यही तो बात है, अभी एनवायरमेंट के अंदर मिल गए वो, जब एनवायरमेंट के अंदर फ्री हो गई तो आई कहाँ से थी, एनवायरमेंट के अंदर आई थी, वहाँ से आई थी, वहाँ वापस चली गई, ये तो एक नाइट्रोजन साइकिल। तो आपको इसके अंदर ध्यान रखना है नाइट्रोजन साइकिल का कि इसके अंदर एक एक स्टेजेस जो है वो क्या होते हैं, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अब बताते हैं क्या आपके जो क्वेश्चन मैंने पूछा था उसकी, मैंने आपसे पूछा था कि हमारा जो हार्ट होता है वो दोनों लंग्स के बीच में क्यों प्रेजेंट होता है। देखिए हमारा हार्ट लंग्स के बीच में प्रेजेंट होता है, ये चीज़ आप भी देखते हो कि जैसे कि
हम ये चीज़ पढ़ते आ रहे हैं साइंस में कि हमारा ब्रेन है उस तक बॉडी के सारे सिग्नल्स पहुंचने चाहिए, और वहां तक जाने के लिए एक सिस्टम कौन सा है, ब्लड है। इससे ब्लड जो है वो क्या लेके जाता है, वही ऑक्सीजन लेके जाएगा, खाद्य पदार्थों को लेके जाएगा हर एक पार्ट, तभी तो हर एक पार्ट काम करेगा। तो वहां तक क्या जाना चाहिए, शुद्ध ब्लड जाना चाहिए, प्योर ब्लड जाना चाहिए। और हमारा हार्ट जो है ना, ये बहुत बिजी ऑर्गन होता है, ये भी आप बात आप जानते हैं कि हार्ट कैसा है, बहुत बिजी ऑर्गन है। और देखिए हार्ट और हमारे जो लंग्स होते हैं, उनके कारण क्या, लंग्स के अंदर क्या होते हैं, जो ब्लड वेसल्स जो होती हैं वो उसके पास प्रेजेंट होती हैं। फिर क्या होता है कि लंग्स से ब्लड प्योर होकर हार्ट में आता है, फिर हार्ट से बाकी के पार्ट्स में जाता है। तो वो ब्लड की जो सप्लाई है ना वो रेगुलर होती रहे, वो लगातार होती रहे, इसीलिए हार्ट और लंग्स जो होते हैं ना पास दूर दूर होंगे तो टाइम तो लगेगा सप्लाई में। और हमारा जो ब्रेन है उसको लगातार क्या चाहिए, उसको लगातार ब्लड चाहिए, ठीक है, उसको लगातार ब्लड चाहिए, उसको लगातार सारी जैसे ऑक्सीजन वगैरह हर एक चीज़ की क्या होती है सप्लाई तुरंत ही, तभी वो क्या करेगा, वो एक्टिवली काम करेगा। इसीलिए क्या होता है कि हमारा जो हार्ट होता है वो दोनों लंग्स के बीच में होता है, ताकि जो ब्लड की सप्लाई है ना वो तेजी से हो सके, वो जल्दी से हो सके। अगर ब्लड नहीं मिलेगा तो क्या हो जाएगा, दूसरी कंडीशन हो जाएगी, ठीक है। तो अब इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन देती हूँ मैं आपको आज कि आपको बताना है कि अगर हमारे ब्रेन, हमारा जो ब्रेन है, मतलब जैसे कि एक कंडीशन लगा जाए, नॉर्मली तो एक मिनट तक कुछ ज़्यादा नहीं होता, अगर उस टाइम उसको ब्लड नहीं मिले तो ब्रेन पे क्या कंडीशन होगी, बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, कि जब हमारे ब्रेन को एक मिनट तक अगर ब्रेन नहीं मिल पाता है तो क्या कंडीशन होगी, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से जल्दी कि क्या होगा। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया, आपको वीडियोस पसंद आया, तो आप वीडियो को लाइक करके बताइए कि आपको समझ में आ गया है। और अगर कोई कन्फ्यूज़न है, कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, यहाँ पे आपके हर क्वेश्चन का रिप्लाई दिया जाएगा। और यहाँ मैं आपको 6 to 12 का कंप्लीट सिलेबस करवाऊँगी, और इसके अलावा सिर्फ यही नहीं, आपको 6 to 12 के सभी क्लासेस के सभी कोर्सेज, सभी सब्जेक्ट के वो आपको सीक्वेंस वाइज प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे इंटरनेट पढ़ाई .com पे। इसलिए ना तो आपको कोई टॉपिक सर्च करने की ज़रूरत है, ना आपको कोई दूसरा ट्यूशन क्लासेस जाने की ज़रूरत है, ना पैसे वेस्ट करने की ज़रूरत है। पर इसके लिए आपको हम कंप्लीट मैटर दे रहे हैं, लेकिन आपको वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना होगा, शेयर करना होगा, क्योंकि जितना ज़्यादा आप वीडियो को लाइक करोगे, शेयर करोगे, हमारे एक्सपर्ट की टीम उतनी ही जल्दी आपके सभी क्लासेस के अदर सभी सब्जेक्ट उनके कंप्लीट कोर्सेज आपको प्रोवाइड करवाएगी, वो भी सीक्वेंस वाइज, और आपको पूरा मैटर जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश की जाएगी, वो आपको इंटरनेट पढ़ाई .com पे पूरा मैटर प्रोवाइड करवाएंगे। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए ताकि आपको डेली अपडेट्स मिलते रहें, चैप्टर टू चैप्टर आपको कंप्लीट सिलेबस मिलता रहे।